Good morning, dear friends, and greetings in Jesus' name, and may the Lord bless you. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज की सुबह आप सबका अभिवादन करता हूं. Today's meditation is taken from Psalm number 51, verse 12. और आज का हमारा मनन भजन संहिता 51 और उसके 12वें वचन से लिया गया है. This verse says, "Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit." मुझे अपने अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल. Now this word restore shows us three things. और ये दो शब्द मुझे फिर से संभाल ये तीन बातों को दर्शाता है. It means first of all the one who prayed this prayer, namely David, the king of Israel. और इस प्रार्थना को जिसने मुख्य रूप से किया उसका नाम दाऊद है जो कि इज़राइल का राजा था. Had the joy of salvation. इसका मतलब है उस दाऊद के पास परमेश्वर के किए गए उद्धार का आनंद मौजूद था. And we can see it also in some of his psalms. और उसके कई सारे उसके द्वारा लिखे गए भजनों में हम इसे देख सकते हैं. Some of the earlier psalms. और कुछ और जो पहले भजन उसने लिखे हैं उनमें. Psalm 9 verse 1 says. और भजन 9 और 1 में लिखा है. I will praise thee, O Lord. मैं तेरी स्तुति करूंगा हे मेरे परमेश्वर. And Psalm 21:1 says. और भजन 21 का पहला वचन कहता है. The king shall rejoice or joy in thy strength. कि ये राजा तेरे सामर्थ और शक्ति में अपने हर्ष को मनाएगा. And Psalm number 23 verse 5 says. और भजन 23 और उसके पांचवें वचन में लिखा है. My cup runs over. और मेरा प्याला उमड़ कर भरता और बहता है. It is overflowing. और मेरा प्याला उमड़ उमड़ करके बहता है. Someone's cup runs away. और किसी का प्याला तो दूर चला जाता है. And take up the cup of salvation. और इसलिए मैं अपने उद्धार का प्याला उठाकर चलूंगा. Psalm 34:1 says. और Psalm 34 और उसके पहले वचन में लिखा है. I will bless the Lord at all the time. मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहूंगा. So, what does all these verses show? और ये सारे वचन किस बात को दर्शाते हैं? David had a time before he wrote Psalm 51. With the joy of God's wonderful salvation. इसका मतलब ये है कि दाऊद के पास इससे पहले कि वो इस भजन को लिखे परमेश्वर का अद्भुत उद्धार के उद्धार किए गए हर्ष और वो उद्धार का आनंद मौजूद था. That is one thing that the salvation through Jesus Christ does for us. और ये एक ऐसी बात है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाए गए उद्धार हमारे जीवन में करता है. That salvation from God, from the Lord Jesus Christ comes with a joy. और वो उद्धार प्रभु यीशु मसीह से एक आनंद को लेकर के हमारे भीतर आता है. It's a joy unspeakable and full of glory. और ऐसा आनंद जिसकी कोई वर्णा नहीं, जिसके विषय में कुछ बात नहीं किया जा सकता. That is the blessing of salvation of the Lord. और ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का आशीष. Now this you don't find in any other religion. और इस बात को आप किसी दूसरे धर्म में नहीं पाते. Salvation coming, forgiveness of sin and acceptance by God the Father of those who choose to believe in His Son Jesus Christ. That wonderful blessing comes along with great joy. और याद रखिए ये सारी अद्भुत आशीषें बहुत महान आनंद के संग आती हैं. सो द सेकंड थिंग टू रिमेंबर इज जो दूसरी बात हमें याद रखनी है. द वर्ड रिस्टोर आल्सो शोज दैट एट प्रेजेंट ही डस नॉट हैव द जॉय. अब ये शब्द मुझे संभाल कर वापस ले आ इसका मतलब ये भी है कि अब दाऊद के पास वो उद्धार का हर्ष या उत्साह मौजूद नहीं. After है। enjoying the joy of salvation for quite some time. और परमेश्वर के उस उद्धार किए गए उद्धार का उत्साह कई समय तक उठाने के पश्चात. Some time and along the way, he seemed to have lost that joy. अब वो एक ऐसी परिस्थिति और ऐसे मोड़ पर आ चुका है कि अब वो इस आनंद को खो चुका है.
Now that can happen to any one of us. और ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है. If we are not careful and daily walking with the Lord. और अगर हम ध्यान पूर्वक ना रहें और परमेश्वर के दिन प्रतिदिन ना चलें. Now what can restore this joy? और कौन सी ऐसी बात है जो इस आनंद को फिर से तरोताजा कर सकती है? A company of people cannot. और पर लोगों की संगति इस बात को ऐसे नहीं कर सकती. He had a lot of them. क्योंकि ऐसे कई सारे लोग दाऊद के इर्द गिर्द थे. Wealth and riches cannot. और धन और समृद्धि भी इसे नहीं कर सकती. He had plenty of. क्योंकि दाऊद के पास तो बहुत धन और प्रसिद्धि और समृद्धि थी. Silver, gold and precious stones and whatever other wealth you need. और सोना चांदी तांबा पीतल और बहुमूल्य पत्थर हर प्रकार का जेवरात और मूल्य उसके पास मौजूद था. His position could not bring that joy. और दाऊद का स्थान भी वो धार का उत्साह उसके भीतर दोबारा नहीं ला सकता. He was king. क्योंकि वो तो राजा था. Leader in every sense of the word. और हर एक तरीके से वो एक अगुआ था. And then what can restore us or bring back the joy to us. तो कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर को आनंद को फिर से हमारे भीतर ला सकती है? Only the Lord of salvation. सिर्फ वो उद्धार का परमेश्वर. Can bring the joy of salvation. वो उस उद्धार के सामर्थ्य को लेकर आ सकता है. And the next thing is. और जो अगली बात है. The word restore also shows his longing for the joy of salvation. और ये जो शब्द है कि फिर से मुझे तरोताजा कर दे, वो दिखाता है कि दाऊद किस प्रकार से भूखा और प्यासा है उस उद्धार के उत्साह और हर्ष के लिए. He is missing that joy. और वो उस आनंद को खोजता है, and now उसे याद करता है. He has experienced know the joy, and so he is now longing. For the joy of salvation. और क्योंकि उसने इस उद्धार के आनंद का अनुभव किया था, अब इसी उद्धार के आनंद का अनुभव वो दोबारा करना चाहता, उसके लिए वो प्यासा है. Could he be satisfied with the things and friends and positions of authority? क्या वो अपने मित्रों से, अधिकारों से, धन धन और समृद्धि से, या जो स्थान परमेश्वर ने उसे दिया था उससे प्रसन्न हो सकता था? Apparently David knew that these things will never bring back the joy of salvation. लेकिन दाऊद तो इस बात को भलीभांति जानता था कि ये सारी बातें कभी भी उस उद्धार के सामर्थ्य को दोबारा नहीं लाएंगी. So the second thing I want to consider. और इसलिए दूसरी बात जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान लगाएं. The road to restoration. कि उस दोबारा उस हर्ष को पाने के लिए हमें क्या करना है, वो कौन सी सड़क है जिस पर हमें चलना है. Number one. पहली बात. Remembrance. हमें याद करना है. How much he used to enjoy his time with the Lord in the house of the Lord, in the temple of the Lord, when he could experience the bubbling joy of salvation. कितना वो परमेश्वर का आनंद उठाता था उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में पहले. You know that is what the book of Revelation says. और यही बात प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी हमें बताती है. In one of the churches, the Lord says. और एक कलीसिया के लिए परमेश्वर इस प्रकार कहता है. Remember from where you have fallen. कि याद करो कि तू कहाँ से गिर गया है. And the second thing. और जो दूसरी बात है. Confession. अंगीकार करना. Confess your sin. अपने पापों का अंगीकार करें. Repent your sin. Repent of your sin. अपने पापों से मन फिराएं. There is forgiveness in God. क्योंकि परमेश्वर में क्षमा उपलब्ध है. God is more ready to forgive than to condemn and judge. और परमेश्वर तो कहीं ज्यादा उपलब्ध है और तैयार है कि वो हमें क्षमा करे, कि इसकी बजाय वो हम पर दोष लगाए. But there is one very important condition. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है जिसका पालन हमें करना है. Repent. हमें मन फिराना है. रिपेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनग्रेडियंट इन कमिंग बैक टू अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड दैट विल ब्रिंग बैक द जॉय ऑफ सालवेशन. और वो मन फिराना परमेश्वर के पग, वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है या बात है जिसका हमें प्रयोग करना है. सो देयर इज रिमेंबरेंस. और इसलिए हमें याद करना है.
And there is repentance. हमें मन फिराना है, क्षमा मांगना है. Confession of all our sins. अपने पापों का अंगीकार करना है. And that will lead to faith. और ये सारी बातें हमें विश्वास की ओर ले जाएंगी. Faith means what? विश्वास का क्या मतलब है? That your God loves you still. इसका मतलब ये है कि आपका परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम रखता है. He wants to forgive you. और वो चाहता है कि वो आपको क्षमा करे. And thus restore the joy of salvation. और इसके द्वारा आपके किए गए उद्धार के हर्ष को वो दोबारा आपके भीतर ले आए. Do you long for the joy? क्या आप भी इस आनंद की अपेक्षा रखते हैं? My friends, you can have it. मेरे मित्रों, आप इस उत्साह को दोबारा पा सकते हैं. God is not dead. और परमेश्वर मरा नहीं. He is still alive. वो तो अभी भी जीवित है. He will always be alive. और हमेशा जीवित रहेगा. And he is longing, just like you are longing for the restoration of salvation. और वो भी आपका इंतजार कर रहा है, भूखा है, जैसे आप वापस उसके निकट आना चाहते हैं. God also is longing to take you back. परमेश्वर भी उसी प्रकार से इंतजार कर रहा है कि वो दोबारा अपने पास खींच ले. That will be the only road that leads to that acceptance is repentance. और वही वो एक मार्ग है जो आपको इस प्रकार की ग्रहण योग्य बनाएगा, और वो है क्षमा. That is the thing that God is waiting for. और परमेश्वर उसी बात का इंतजार कर रहा है. He will not compromise. और वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा. Repentance is a requisite. और याद रखिए कि मन फिराना तो महत्वपूर्ण एक शर्त है. So if there is anyone among those who are listening to this meditation. और इसलिए आज की सुबह यदि आप में से कोई भी एक ऐसा है जो इस मनन को सुन रहा है. I pray that you will not completely lost. मेरी प्रार्थना यह है कि आप खो ना जाएं. But repentance will bring you back. लेकिन आप मन फिराने के द्वारा परमेश्वर के पास वापस लौटें. And my friends, और मेरे मित्रों, losing the joy of salvation. अगर आप अपने उद्धार किए गए उद्धार के उत्साह और आनंद को खो दे, means that you will no longer enjoy walking with the Lord. इसका मतलब ये है आप परमेश्वर के संग अब चलना पसंद नहीं करेंगे. So do you want to come back? इसलिए क्या आप वापस आना चाहते हैं? God is ready. परमेश्वर तैयार है. Are you? क्या आप तैयार हैं? God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. As you take the step. जैसे आप उस कदम को उठाते हैं. And take the road to restoration. और उस वापस लौटने के मार्ग की ओर बढ़ते हैं. We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. For it is the Holy Spirit who convicts us of sin. और क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा है जो हमारे अपने पापों को लेकर कायल करता है. And it is the Holy Spirit who is ready to restore the salvation, joy of salvation. और ये तो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे किए गए उद्धार को वापस देने के लिए हमारा इंतजार करता है. So you need the Holy Spirit. और इसलिए आपको पवित्र आत्मा का आवश्यक. Father God in heaven, I thank you that the Spirit of God is ready to step in and restore us. और हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है कि हमें क्षमा कर दोबारा तेरे निकट ले आए. Let it be the experience today of someone from among those who are listening. और होने दे यही अनुभव किसी एक का आज के दिन होने पाए जो इस मनन को सुनते हैं उनमें से किसी का. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु. For this is your will. क्योंकि यही तेरी इच्छा है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Have a wonderful day. एक अद्भुत दिन आपका बीते.